As you know, what is planning and what is the role of planning in sports? First of all, we discuss planning. What do you mean by planning? Simple, planning is a process of thinking about the activities required to achieve any activities which we want to conduct, which we want to do. ठीक है, उसके लिए जो हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं एडवांस में, दैट इज अ प्लानिंग पार्ट. इन सिंपल वर्ड, प्लानिंग मीन्स व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इट टू बी डन एंड हु इज टू बी गोइंग टू डन एंड वेयर इट इज टू बी डन. हमने कोई भी काम कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किसने करना है, दिस इज ऑल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. ठीक है, इसको हम प्लानिंग बोलते हैं. आपने किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में पूरा आपने उसको गो थ्रू करना है. आपने डिफरेंट कमिटीज, हम जैसे स्पोर्ट्स में बनाते हैं, इफ यू वांट टू कंडक्ट अ टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका आपका प्लानिंग का ये चैप्टर है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. तो स्ट्रेट वे वी कम टू द टॉपिक कि व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. Obviously, if we plan each and everything before any tournament, then we will conduct that tournament smoothly. ठीक है, तो इसके लिए main objective planning के क्या है, हमारा सबसे main objective planning का क्या होता है, to minimize the chances of mistake. अगर आपने कोई भी activities tournament कराना है तो सबसे main हमारा target, हमारा purpose क्या होता है, minimize हमने अपनी mistake तो करना है, आपकी मिस्टेक्स जो है वो बिल्कुल मिनिमाइज हो या बिल्कुल भी ना हो. फॉर दैट वी नीड प्लानिंग. देन टू कंडक्ट द स्मूथली टूर्नामेंट, इंक्रीज द एफिशिएंसी, देन गुड कंट्रोल एंड बेटर परफॉर्मेंस. नेचुरली इफ वी प्लान ईच एंड एवरीथिंग बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी टूर्नामेंट, एनी एक्टिविटी, then there is a very very less chances of mistakes and we organize the tournament smoothly and create a new ideas. If more people are involved, we conduct different committees, those who are regulating the different field of your tournament, lodging, boarding, ठीक है, reception, welcome committee, first aid committees, technical committees, these are the few committees which we made before any activity. जब कोई भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम खेलने से पहले क्या करते हैं, डिफरेंट मैनेजमेंट जो कमेटीज बनाता है, उस कमेटीज का काम होता है अपने अपने वर्कआउट को थोरोली चेक करना. ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको देखना, आपको स्मूथली मैच को कंडक्ट कराने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो सारी वो कमेटी के अंडर होता है. ठीक है, तो वो कमेटीज क्या है, फाइनेंस कमेटीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डिसाइड करना है कि आपका फाइनेंशियली पोजीशन, आप उस टूर्नामेंट को आपके पास जितना फाइनेंशियली, जितना आपके बजट है उसमें आपने स्मूथली कंडक्ट करना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस कमेटीज, देन पब्लिसिटी कमेटीज होती हैं, आपने अपने एडवर्टाइज करते हैं हम डिफरेंट टूर्नामेंट्स को, टीवी, न्यूज़पेपर्स, वीडियोस डिफरेंट डाल के आप, ठीक है, उसकी कवरेज करते हैं, चैनल्स पे आप दिखाते हैं, लोकल चैनल्स पे दिखाते हैं. Then reception and registration committees, boarding, transport committees, ठीक है, उनका काम होता है जो टीम आती है उनको boarding का करना है, registration करना है, जितने कितने members total आए उनकी registration होती है बेटा, उसमें registration में आपसे security भी ली जाती है. इफ कहीं भी किसी भी हम दूसरे school में जाते हैं inter school tournaments में, तो वहाँ पे आपको security रखते हैं, so that in the end of your tournament आपको सिक्योरिटी वापस मिल जाती है. इन द मेन टाइम अगर आपकी टीम्स का, आपके कोई मेंबर ऑफ योर टीम, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज करता है तो उससे वो एज ए फाइन के तौर पे वो डिडक्ट कर लेते हैं मनी. देन ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटीज, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दैट कमेटी, इज टू इंटेक्ट योर ईच एंड एवरीथिंग. आपका जो इक्विपमेंट्स है, ठीक है, वो आपने ग्राउंड्स में इंटैक्ट रखने हैं. आपकी जो ग्राउंड की कंडीशन है वो प्रॉपर है कि नहीं है, आपको फर्स्ट एड ग्राउंड में अवेलेबल है कि नहीं है. देन ऑफिशिएटिंग, एम्पायर्स, रेफरीज, मेडिकल, देन आपका मेन कमेंटेटर्स होते हैं जो लाइव टेलीकास्ट करते हैं मैचेस का, ठीक है, अनाउंसमेंट करते रहते हैं, वो आपको डिफरेंट
स्टैटिस्टिशियन के थ्रू आपको पूरी कवरेज देते हैं, हर प्लेयर का बायोडाटा देते हैं, ठीक है, उनके अचीवमेंट्स बताते हैं, उनके करंट रिकॉर्ड बताते हैं, ये सारी आपके कमेटी मेंबर्स प्रॉपर, हम कमेटीज बनाते हैं। आफ्टर मेकिंग ऑल दिस कमेटी, तो इससे आपको क्या होता है, आपको एट द टाइम ऑफ टूर्नामेंट, एट द टाइम ऑफ मैचेस, आप पे स्ट्रेस कम होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन आर रेडी विद देयर वर्क, उससे देयर इज अ वेरी वेरी लेस चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आपको पता लग गया, कमिटीज का आपको पता लग गया, ये डिफरेंट कमिटीज होती हैं जो स्मूथली आपके टूर्नामेंट को कंडक्ट करती है। और इसमें क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कमिटीज, एक तो कमिटीज आपने बना दी है, उसके बाद क्या होता है, हमारी जो डिफरेंट कमिटीज हैं उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स कि आपने प्री टूर्नामेंट क्या वर्कआउट करना है, ठीक है। ये जो मेन आपका होता है, एक प्री टूर्नामेंट होता है, ठीक, एक आपका होता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट। जब भी आपने प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले आपका प्री टूर्नामेंट, देन ड्यूरिंग, ठीक है। प्री टूर्नामेंट मींस कि आपने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले क्या क्या अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, देन पोस्ट टूर्नामेंट, ये मेन आपका सबसे बड़ा काम यही होता है कि आपने टूर्नामेंट को शुरू होने से पहले प्री टूर्नामेंट कौन कौन से वर्कआउट करने हैं, आपने पहले सबसे पहले क्या देखना, शेड्यूल ऑफ द टूर्नामेंट। जब भी हम कहीं खेलने जाते हैं तो वो एक शेड्यूल बना होता है, एज यू नो फिक्सचर, ठीक है, कब आपका मैच है, कहाँ पे आपका मैच है, कौन से ग्राउंड में, वो फिक्सचर में वी अरेंज द ऑल मैचेस इन सीक्वेंस वाइज, दैट इज द शेड्यूल ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, उसमें डेट, वेन्यूज, टाइम, ग्राउंड नंबर वन, ग्राउंड नंबर टू, वो ईच एंड एवरी थिंग वी हैव टू मेंशन। देन ग्राउंड कंडीशन आपने चेक करनी होती है, ठीक है, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन ऑफ द कंसर्न टीम्स, जो कितनी टीम्स आपके पास आ गई हैं, कंफर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, जब भी आप कहीं खेलने जाते हो तो वहां पे कंफर्मेशन आपसे पूछी जाती है बिफोर दैट टूर्नामेंट, यू आर कमिंग और नॉट। जब आपने जाना होता है तो यू गिव द सेंट कंसेंट, अपनी भेजते हो कि वी आर कमिंग ऑन सच सच डेट टाइम, सारा आप उसमें बताते हो, सो दैट बोर्डिंग लॉजिंग ट्रांसपोर्ट कमेटीज वो रेडी रहती है रिसीव करने को टीम्स को डिफरेंट, ठीक है। तो ये सारा अरेंजमेंट होता है, कंफर्मेशन टीम्स, देन प्राइज एंड सर्टिफिकेट्स, यू हैव टू रेडी प्राइज, प्राइजेज होते हैं जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो कमेटीज वो रेडी रखती है, ठीक है। देन आपका वेलकम चीफ गेस्ट, इनोग्रेशन के लिए आपने रेडी रखना होता है अपना चीफ गेस्ट को, यू गिव द टाइम व्हेन यू आर स्टार्टिंग द टूर्नामेंट। देन ड्यूरिंग जो आपका टूर्नामेंट होता है उसमें मेन मेन चीजें क्या होती हैं, यू हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी फॉर्म, वहां पे हमने क्राइटेरिया टूर्नामेंट का रखा होता है, जैसे आपके स्कूल के मैचेस होते हैं उसमें आपके अंडर 19 है, ठीक है, अंडर 17 है, कुछ में आपके अंडर 15 टूर्नामेंट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप इन डिफरेंट गेम्स। तो वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड उसमें डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो चेक करते हैं कि वो जो आपका कैंडिडेट है वो पर्टिकुलर जिस कैटेगरी में उसने अप्लाई किया है वो उसी एज ग्रुप का है कि नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मैचेस टीम शुड अराइव इन टाइम, मोस्टली 30 मिनट्स बिफोर यू हैव टू एंटर इन योर ग्राउंड, जो टीम आपकी मैच खेलने जाती है वो 30 मिनट्स बिफोर आपका जो ग्राउंड है, जो कोर्ट है जहां पे आपके मैचेस होने, वहां पे आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। देन प्रिपेयर ऑफ स्कोर शीट्स, यू हैव टू गेट रेडी योर स्कोरर्स, उसके पास स्कोर शीट होनी चाहिए, आपके ऑफिशियल्स ड्यूरिंग जो मैचेस होते हैं वो रेडी होने चाहिए, रिफ्रेशमेंट वाले बच्चे जो कमिटीज हैं वो बच्चों को रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग मैचेस देते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके वहां पे ड्यूरिंग मैच में रेडी होने चाहिए। देन अनाउंसमेंट, जो हम लाइव टेलीकास्ट देते हैं अपने टूर्नामेंट का, और प्लस फर्स्ट एड किट, ठीक है, फर्स्ट एड
जो आपका है वो दैट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर कोई भी बच्चे को किसी को भी इंजरीज होती हैं तो आपको वहां पे फर्स्ट एड का सारा सामान आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट आप आ जाओ पोस्ट टूर्नामेंट। पोस्ट टूर्नामेंट्स की जब आपका टूर्नामेंट खत्म हो गया उसके बाद भी बहुत से ऐसे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि आपका मैचेस खत्म हो गए, टूर्नामेंट फिनिश हो गया, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज स्टॉप। नो, यू हैव टू, क्या क्या काम आपके पास होते हैं उसके बाद जो आपने सबसे पहले सिक्योरिटी ली है डिफरेंट टीम से, दैट यू हैव टू रिफंड, ठीक है। जो भी सिक्योरिटीज रखते हैं 5,000 होती है, कहीं पे 4,000 होती है, दैट यू हैव टू रिफंड। देन कलेक्ट ऑल द इक्विपमेंट्स। सो आपने अपने इक्विपमेंट्स आपने वहां पे यूज किए हैं या आपने समटाइम किसी एसोसिएशन से लिए हैं या आपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से लिए हैं, दैट यू हैव टू कीप इंटैक्ट, और उनको सारों को कलेक्ट करते हैं। देन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और मेन व्हाट यू हैव टू गिव अ प्रेस रिपोर्ट। आपने जो मीडिया को अपने टूर्नामेंट की ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू गिव, कितने मैचेस हुए, हाउ मेनी टीम्स आर देयर, हाउ मेनी पार्टिसिपेशन आर देयर, ठीक है, कौन आपका विनर रहा, कौन रनर रहा, वो सारी चीजें आप प्रेस में जो देते हो वो पूरा प्रेस का एक नोट बनाया जाता है, उसमें सारी चीजें आपको बतानी होती है, सारे रिकॉर्ड्स डेटास वो आपने फुल करने होते हैं, वो रिकॉर्ड आपको नेक्स्ट टाइम के लिए भी सेफ करके रखने होते हैं अपने। देन ट्रांसपोर्टेशन, यू हैव गिव द ट्रांसपोर्टेशन फॉर दैट पर्टिकुलर आउटसाइड टीम्स, जो भी आउटसाइड टीम आपके यहाँ पे स्टे किया होता है उनको आपने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज देनी होती है। देन मेन वर्क, जितने आपके पास ऑफिसर्स, रेफरीज, एम्पायर्स, ठीक है, टेक्निकल कमिटीज के जितने भी लोग आए होते हैं उनको आपने, जो उनकी पेमेंट होती है, हर ऑफिशियल्स की एक पेमेंट होती है, उनकी एक फिक्स होती है कि जो ऑफिशियल आते हैं उनको आपने, ये आपकी पेमेंट है दैट यू हैव टू गिव। ये आपका हो गया प्लानिंग पार्ट से रिलेटेड, हमने टूर्नामेंट करा लिया, कमिटीज होगी, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए हैं, ठीक है, और मैच से वो बिफोर आपने, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, व्हाट स्टेप्स, व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपने क्या क्या करना है। देन आपका आ गया टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन वेरियस टीम्स बाय विच वी कम टू नो विच टीम इज बेस्ट एंड विच विनर, वी डिसाइड द विनर, और हमको ये पता लगता है कि ये टीम बेस्ट है, ये विनर टीम है। देन इसमें बेटा टूर्नामेंट में जो डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। इसमें आपका एक वर्ड आता है मेन, फिक्चर। फिक्चर क्या होता है, फिक्चर आर द शेड्यूल फिक्स फॉर द मैचेस, एक शेड्यूल होता है इन विच वी फिक्स द मैचेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, प्लेस, कोर्ट एंड डेट। वेन एवर वी मेक दिस फिक्चर, उसमें हम टाइम, वेन्यू, डेट, ईच एंड एवरी थिंग वी हैव टू मैंशन, ठीक है। फिक्चर मीन्स टू प्रिपेयर अ शेड्यूल फॉर अ मैचेस, मैच नंबर वन, मैच नंबर टू, वन कोर्ट में होगा, सेकेंड कोर्ट में होगा, मॉर्निंग में होगा, इवनिंग, आफ्टरनून, ईच एंड एवरी थिंग दैट वी हैव टू फिक्स, दैट इज अ फिक्चर। देन आपका सीडिंग आ जाता है नेक्स्ट वर्ड। व्हाट डू मीन बाय सीडिंग, सीडिंग मीन्स कि जो आपकी लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम होती है, जो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम्स होती हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, सो दैट वो आपका इनिशियल स्टेज में फर्स्ट राउंड में उनके आपस में मैच ना हो। इफ देयर इज अ मैच बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग टीम इन अर्ली स्टेजेस इन फर्स्ट राउंड, देन व्हाट हैपन, होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा। आपकी अगर एक अच्छी टीम भी फर्स्ट राउंड में बाहर हो जाती है, जो उसमें प्लेयर्स होते हैं जिनको देखने स्पेक्टेटर दूर दूर से आते हैं, ठीक है, तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उसका फिर आपके टूर्नामेंट पे इफेक्ट पड़ता है अगर आपकी अच्छी टीम स्टार्टिंग में बाहर हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो आपकी स्ट्रॉन्ग टीम होती है, ठीक है, उनको हम एक को ऊपर वाले पूल में रखते हैं, जैसे आपका एक को टॉप पे रखेंगे यहाँ पे, एक को बॉटम पे रखेंगे यहाँ पे। अगर आपने फोर टीम्स को रखना है तो
तो ऊपर वाले के सबसे नीचे और नीचे वाले की टॉप टीम को हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, सो दैट आपकी जो सेमीफाइनलिस्ट टीम है एटलीस्ट वो आपकी फर्स्ट राउंड में इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ ना हो, उनके आपस में मैचेस ना हो, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ सीडिंग्स, ठीक है। तो आपके मैच में भी इंटरेस्ट बना रहता है उससे और स्पेक्टेटर्स भी ज्यादा से ज्यादा आते हैं। देन नेक्स्ट आपका बाइस, बाइस बाई का मतलब क्या होता है, इट इज एडवांटेज गिवन टू एनी टीम, ठीक है, वो टीम आपका दैट इज एग्जम्प्टेड टू प्ले फर्स्ट राउंड। बाई का सिंपल मतलब क्या है, आपको फर्स्ट राउंड में एग्जम्पशन मिल जाती है, आप फर्स्ट राउंड नहीं खेलोगे, आप सेकेंड राउंड खेलोगे। देन मेन आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट, एज यू नो अगर हम टूर्नामेंट कराएंगे तभी हमको पता लगेगा हु इज द बेस्ट, सिंपल है, ठीक है, अदरवाइज अगर आपके टूर्नामेंट नहीं हो गए तो हाउ वी कम टू नो कि विच प्लेयर इज बेस्ट, विच टीम इज बेस्ट। तो इट इज ऑलवेज, इसीलिए नेशनल हर बार आपके नेशनल के मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं नेशनल्स की, उसमें आपके हर साल जो नए नए बच्चे खेलते हैं पार्टिसिपेट करते हैं उसी से आपको इंटरनेशनल के लिए बच्चे मिलते हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आपका वही होता है, जब आप टूर्नामेंट कराएंगे मैचेस कराएंगे तभी आपको डिफरेंट टैलेंट का पता लगेगा, आपको अच्छे प्लेयर्स का पता लगेगा और उसी के हिसाब से आप फर्दर सिलेक्शन अपनी कर सकते हो, अपने नेशनल टीम से इंटरनेशनल टीम की तैयारी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इससे बच्चों को टूर्नामेंट्स में क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है, अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, अपने स्किल को दिखाने का मौका मिलता है, एंड इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर द सिलेक्टर्स टू सिलेक्ट द टीम्स, टू सिलेक्ट द प्लेयर्स, सिलेक्टर्स के लिए भी एक बहुत अच्छा वो प्लेटफॉर्म होता है, एंड दिस इज ऑल्सो क्रिएट ए सम सॉर्ट ऑफ रिक्रिएशन एक्टिविटीज। अगर जैसे हम स्कूल में इंटर स्कूल मैचेस कराते हैं, इंटर हाउस मैचेस कराते हैं, समटाइम इन कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटर क्लास मैचेस होते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट के मैचेस होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपस में मैचेस होते हैं, द मेन पर्पज ऑफ दैट इज टू क्रिएट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वो इंजॉयमेंट करते हैं बच्चे, ठीक है। देन एथिकल वैल्यूज, डिसिप्लिन, ये सारी चीजें हम सीखते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, अगर आपका टूर्नामेंट होता है व्हेन यू लीड योर टीम तो दैट विल बी एनहांस योर लीडरशिप क्वालिटीज, ये आपका ऑल रिगार्डिंग टूर्नामेंट हो गया। एंड फर्दर टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, दैट इज सिंपल एज वी नो, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और राउंड रोबिंग टूर्नामेंट, अदर नेम ऑफ दिस लीग, देन कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट एंड चैलेंज टूर्नामेंट, ठीक है, ये आपको पता ही है नॉकआउट क्या होता है, वंस यू आर एलिमिनेटेड यू आर आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट में हर टीम एक दूसरे के साथ मैच खेलती है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस सिंपल है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, टाइम सेविंग, मनी सेविंग, आप इसको शॉर्ट में जल्दी करा सकते हो, और लीग टूर्नामेंट का क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस दोनों की ऑपोजिट, वही चीजें एडवांटेज है वही डिसएडवांटेज है। लीग टूर्नामेंट ऐसा होता है इसमें आपको बेस्ट टीम का पता लगता है, बिकॉज इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एक बार अगर आप अच्छा नहीं खेले हो तो नॉकआउट में आप बाहर हो जाते हो, नो सेकेंड चांस, बट इसमें आपको सेकेंड चांस भी मिलता है अपनी स्ट्रेंथ, अपना टैलेंट को शो करने का। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि लीग टूर्नामेंट बेस्ट होता है to judge the best player, combination दोनों का combine, आप पहले knockout कराओ फिर league करा लो, league करा लो फिर आप knockout करा लो, that is depend upon the tournament committees, वो उन्होंने tournament को कैसे करवाना है। अब इसमें जो बेटा different formulas हैं वो आपको पता होने चाहिए, इसमें छोटे छोटे वन वन मार्क्स के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनेंगे, इसको थोरोली जाना है। And listen one thing, बेटा yes Shubhi, yes sir, आपको मैं एक sample paper भेजूंगा पूरे group में, ठीक है, उसमें बहुत से question है आपको, उसको go through आपने करना है, और अगर उसमें से कोई answer में आपको doubt होता है you can send me the message, ठीक है, yes sir, हाँ जी आपको आज मैं वो send कर दूंगा, okay sir, okay फिर